दोस्तों, समुद्र तट के किनारे स्थित एक आजाद देश जिसका इतिहास काफी पुराना है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित ये देश वाकई बहुत खूबसूरत है। इतिहास रामायण काल की याद दिलाता है। रामायण पढ़ते समय इस देश का जिक्र होता है। जब बात राम की होती है तो इस देश का जिक्र जरूर आता है। इस देश के खूबसूरत पर्यटक स्थल आपको धर्म, संस्कृति और इतिहास की याद दिलाते हैं। एक ऐसी जगह जो चारों ओर से खूबसूरती से घिरी है। एक तरफ समुद्र का किनारा, एक तरफ पहाड़, तो दूसरी तरफ खूबसूरत कलकलाती नदियां और उसी के साथ हरे भरे पेड़ पौधे। आपको ये देश अपनी ओर काफी अट्रैक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बेशुमार खूबसूरती के खजाने से भरे हुए देश की सैर पर, जिसका नाम है श्रीलंका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, श्रीलंका एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा है लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और कला संस्कृति से भरा हुआ है। यहाँ के मंदिर, चाय के बागान, पहाड़ और समुद्री बीचेस पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी विदेशी जगह की तलाश कर रहे हैं तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का चयन कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई देश भारतीयों के लिए खास टूरिस्ट पैकेज भी लेकर आते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज भी। 2024 आ रहा है तो ऐसे में बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। IRCTC और साथ ही बहुत सारी प्राइवेट टूरिस्ट कंपनीज भी बहुत सारे ऑफर्स लेकर आती है, तो क्यों ना इन ऑफर्स का फायदा उठाएं या फिर अपनी खुद की प्लानिंग करें और श्रीलंका निकल जाएं। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में समुद्री द्वीप पर स्थित ये देश बेहद ही खूबसूरत है। चाहे आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो, इतिहास प्रेमी हो, एडवेंचर प्रेमी हो, ट्रैकिंग का शौक रखते हो, यहाँ आपको हर तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी। इस देश की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा है, जबकि यहाँ की भूमि पहाड़ों और तटीय मैदानों से मिलकर बनी है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। श्रीलंका को अक्सर रावण के देश के रूप में भी जाना जाता है। इस देश का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है, जब लंकापति रावण का साम्राज्य इस जगह पर था। दरअसल श्रीलंका का पुराना नाम लंका था, लेकिन बाद में इस नाम को सम्मान देने के लिए श्री शब्द जोड़ दिया गया। श्रीलंका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ से आसपास का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको नजर आती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे वाटरफॉल भी मिलेंगे। ये श्रीलंका की खूबसूरती में और चार चांद लगा देते हैं। इसके अलावा पहाड़ों की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जाकर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, इसका शहर कोलंबो भी देखने लायक जगह है। ये शहर श्रीलंका की राजधानी के साथ ही वहाँ का आर्थिक केंद्र भी है। कोलंबो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। तो उससे पहले आपको कुछ खूबसूरत वादियों में हम घुमाते हैं और आपको श्रीलंका की खूबसूरती दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीलंका के सफर की। और दोस्तों, जब बात खाने पीने की आती है तो श्रीलंका उसमें भी बहुत आगे है। यहाँ आपको इजिली इंडियन फूड तो मिल ही जाएगा, साथ ही आप भोजन में चावल और कढ़ी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल थाली भी मिलती है जिसमें आपको चावल और कढ़ी मिलती है और तरह तरह की सब्जियाँ भी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मांस और मछलियों के स्वाद भी मिल जाएंगे। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ श्रीलंका के लोगों का दिल भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ आने वाले हर एक टूरिस्ट को ये लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अगर आप श्रीलंका घूमने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, तो आपको कुछ खास ऐसी जगह है जहाँ जरूर जाना चाहिए, जिसमें श्रीलंका का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिंटेल है। श्रीलंका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है मिंटेल, जिसे पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। ये जगह बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। मिंटेल के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। चारों तरफ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। और ये है एडम चोटी। श्रीलंका का एडम पीक भी काफी मशहूर है। इसके शिखर पर एक बौद्ध मठ बना हुआ है। यहाँ एक पत्थर पर एक पदचिन्ह है जो अलग अलग धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस चोटी पर पहुंचकर नीचे का नजारा देखने लायक होता है दोस्तों।
दोस्तों ये है सिगरिया रॉक किला। ये जगह दुनिया भर के सैलानियों को काफी लुभाती है। 5वीं सदी में बनी इस जगह की खूबसूरती को देख हर कोई इस जगह का फैन हो जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो सिगरिया रॉक किले को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। यूनेस्को ने सिगरिया रॉक किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर रखा है। दोस्तों ये है रावण वाटरफॉल। श्रीलंका की सबसे खूबसूरत जगहों में रावण वाटरफॉल का नाम शामिल है। एला वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित इस खूबसूरत जलप्रपात की खूबसूरती दिल जीत लेगी। ऊपर से नीचे से गिरता दूधिया सफेद पानी बहुत सुकून देता है। दोस्तों झरने के आसपास हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधे सैलानियों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय श्रीलंका में घूमने के लिए अगर जाते हैं तो उन्हें टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता है। इसके लिए कुछ नियम कानून है जिसे फॉलो करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और टूरिस्ट वीजा के जरिए आपको 30 दिनों तक श्रीलंका घूमने की परमिशन मिल जाती है। और हाँ, यदि आप किसी काम से श्रीलंका जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज अलग होती है। दोस्तों ये है दाबुला गुफा मंदिर। बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाली ये गुफा अत्यंत प्राचीन है और इसे पवित्रता की दृष्टि से भी खास कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग प्राचीन स्थल की दृष्टि से आते हैं। ये श्रीलंका के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में लगभग 80 गुफाएं बनी हैं, जो काफी अट्रैक्ट करती है। श्रीलंका घूमने के लिए जाने वाले लोगों को इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप बीचेस का शौक रखते हैं तो अरुगम जरूर जाइए। श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित एक खूबसूरत बीच है जिसका नाम है अरुगम बे बीच। इस बीच पर मौज मस्ती करने वाले लोगों को ज्यादा देखा जाता है। यहाँ आप खूब सारी मस्ती कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यहाँ पर आने वाले लोग कई दिनों तक यहाँ रुकते हैं और यहाँ से प्रकृति का एक बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है दोस्तों, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप श्रीलंका जाने का मन बना रहे हैं तब आप ये जान लीजिए कि श्रीलंका घूमने के लिए परफेक्ट मौसम कौन सा है और वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से एक्सप्लोर करें। तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए आपको सर्दियों में आना चाहिए। ये समय श्रीलंका में घूमने के लिए परफेक्ट होता है। अक्टूबर से मार्च के बीच में श्रीलंका घूमने के लिए एक परफेक्ट मौसम है। आप इजीली यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात रुकने की, तो यहाँ पर आपके बजट के हिसाब से होटल और स्टे हाउस मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सिंगल होटल रूम ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पर आप किसी धर्मशाला या सिटी होटल में भी रुक सकते हैं जहाँ का किराया काफी कम होता है। और हाँ दोस्तों, खाने को लेकर ज्यादा परेशान मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर आपको वेज एंड नॉन वेज, सी फूड एंड सब कुछ मिलेगा आपको। यानी फूडीज को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों श्रीलंका के बारे में दी गई जानकारियाँ, उसके खूबसूरत पर्यटक स्थलों की सैर, ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।